शो में ऑडियंस को सारी चीजें देखने को मिल जाती है, इसी वजह से लोगों ने आई थिंक सीजन टू को ज्यादा सपोर्ट दिखाया है। वो क्यों दोस्तों आप कमेंट में बता देना। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक थी बेगम वेब सीरीज के बारे में। आप में से बहुत लोगों ने भाई इसका दोनों सीजन मतलब दो सीजन तो देख रखे होंगे, लेकिन इसका सीजन 3 आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, रिलीज डेट क्या होने वाली, अपडेट क्या होने वाली, उसको लेकर हम बात करेंगे। आई एम श्योर आप में से मोस्ट ऑफ द लोग इसके लिए वेट कर रहे होंगे, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बात करें दोस्तों शो के बारे में, तो डेफिनेटली ये शो लोगों का फेवरेट बना रहा काफ़ी समय से, और इसमें जो है ट्रू इवेंट्स वाली चीज़ें भी देखने को मिली, तो लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाते हैं। और कुछ सीन्स तो ऐसे देखने को मिले, अरे भाई लोग मतलब फैन बने गए होंगे, उन्हें लग रहा था कि भाई पटाख से इसका अलग सीजन है और हम पटाख से इन्जॉय करें। खैर बात करें सीजन 3 को लेकर क्या कुछ अपडेट है, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, पहले भाई ये शोज जो है ओरिजिनली एमएक्स प्लेयर का हुआ करता था, अब एमएक्स प्लेयर जो है बिक चुका है अमेजन प्राइम वीडियो वालों को, तो ये प्लेटफॉर्म बन चुका है अमेजन एमएक्स प्लेयर। तो ऐसे में जो शोज है वो अब जल्दी जल्दी रिलीज होंगे, क्योंकि अमेजन एमएक्स प्लेयर को मैंने देखा है कि भाई अमेजन मिनी टीवी का जो प्लेटफॉर्म था वो दोनों मर्ज हो चुके हैं एमएक्स प्लेयर के साथ में, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है बहुत जल्दी काम करते हैं, मतलब ऑन टाइम शोज को रिलीज करते हैं। एमएक्स प्लेयर से तो बेटर ही है शोज को रिलीज करने के मामले में, सिक्वल्स को रिलीज करने के मामले में। तो बात करें एक थी बिगम का सीजन 3 आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो अभी तक इसे ग्रीन लाइट ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, सीजन 3 को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हो जाती है तो ये शो आपको अगले साल देखने को मिल सकता है 2025 में, जो कि लगभग फाइनल क्वार्टर नवंबर दिसंबर के अराउंड आ सकता है। ये दोस्तों ग्रीन सिग्नल इसलिए मिल सकता है क्योंकि मैंने देखा है कि इन शोज को दोस्तों जो अमेज़न एमएक्स प्लेयर के शोज होते हैं उन्हें ग्रीन सिग्नल देता है भाई, और ये जल्दी जल्दी रिलीज होते हैं। तो हाँ इतना आपको वेट करना पड़ेगा, शो आपको अगले साल देखने को मिल सकता है, वरना ये भाई 2026 पे भी शिफ्ट हो सकता है। क्या सोचते हो एक थी बेगम के बारे में, आई एम श्योर आप सारे एक्साइटेड होंगे, कमेंट में बता दो, वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।